अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आपने, आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। धन्यवाद सर, आपने बड़े प्रेम के साथ मुझे बुलाया और ऐसा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बीच में मेरा माइक बंद न हो मुझे। पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी भी बात इसके बाद आपको सुनना होगा। आप रुकेंगे 5 मिनट के बाद आपकी भी बात सुनता हूं। आप नहीं रुकेंगे मेरी बात सुनने। बात यह है साहब कि इस सदन में जो हम चर्चा चाहते थे उस लिए हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती, हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं इस उनकी जो उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। बिफोर आई कॉल ऑनरेबल अर्जुन मुंडा, मैंने आग्रह किया था माननीय नेता विपक्ष से कि वो चेयर की भी बात सुनेंगे। आप माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन का जो नियम है, आई लाइक टू क्लेरिफाई, प्लीज सुनकर जाए, मेरा आग्रह है, प्लीज सदन का जो नियम है, प्लीज सदन के नियमों के तहत जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी पर आप बोल सकते हैं। ये नियम रूल्स प्रोसीजर जब से हाउस बनाया चल रहा है, आज आवाज उठ रही है, इस रूल्स और प्रोसीजर को बनाने वाले कौन लोग थे ये देश को पूछना चाहिए। उसी रूल्स और प्रोसीजर के तहत चल रहा है। मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि रूल 110 स्कोप ऑफ डिबेट से रिलेटेड है और रूल 240 जिस स्पीच के इरेलेवेंस और रिपीटिशन से संबंधित है। ये मैंने कल बार बार रिक्वेस्ट किया, आज भी कह रहा हूं, और यही 62-63 में जो आपके रूल्स बने तब से ये व्यवस्था चल रही है। आज ये लोग कह रहे हैं ये गलत चीज, चेयर चूंकि बोलता नहीं इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं। प्लीज